12.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3। क्या दिया है? एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाता है जिसमें क्या है, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। क्या क्या है? गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। ये जो है फिगर में है, ये गोल्ड है, ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है। ठीक, तो क्या बोल रहा है, जिनमें या फिर जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, क्या है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर, तथा प्रत्येक अन्न पट्टी, अन्न पट्टी मतलब ये जो एक पट्टी है, यहाँ वाला पट्टी, ये वाली पट्टी, ये वाली पट्टी और ये वाली पट्टी, ये सारे पट्टी का कितना दिया हुआ है हमको, चौड़ी 10.5। ये समझ में आया? इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रत्येक की क्षेत्रफल, मतलब गोल्ड का कितना होगा, रेड का कितना होगा, ब्लू का कितना होगा, ब्लैक का कितना होगा, व्हाइट का कितना होगा, यही हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 वित्त है ना, 5 वित्त का केंद्र बिंदु एक लोग है कि अलग है, बताओ? एक ही है। अब सभी वित्त को भूल जाओ, खाली गोल्ड को उठाओ। गोल्ड कैसे है, ऐसे है, खाली गोल्ड मैंने उठाया, ये इसकी क्या है, गोल्ड का केंद्र बिंदु है, और यहाँ से केंद्रीय बिंदु से परिधि की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या, जिसको आर से दर्शाते हैं, और गोल्ड का त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए कहाँ पे है, गोल्ड की बेस दिया है, गोल्ड की बेस मीन्स ये पूरे है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, ये कितना दिया हुआ है मेरे को, 21 सेंटीमीटर दिया है। ठीक ना, ये किसका है, गोल्ड का। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले इसका हल के लिए, पहले गोल्ड का उठाते हैं, गोल्ड का क्या निकल रहा हूं मैं, मेरे को दिया क्या है, गोल्ड का व्यास दिया है, व्यास को डी से दर्शाते हैं, बराबर कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। अब बताओ व्यास के साथ त्रिज्या की रिलेशन मैंने क्या बताया था, आधा हो जाता है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 21/2 बराबर कितने होंगे, 10.5 सेंटीमीटर। इतना दूर तक सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, आ गया। इसके बाद मैं इसी का क्षेत्रफल निकल रहा हूँ, गोल्ड का, तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताइए, गोल्ड का क्षेत्रफल, एरिया लिख दे रहा हूँ, आप लोग हिंदी में क्षेत्रफल लिख लीजिएगा। गोल्ड देखने में कैसे है, वृत्त, वृत्त की क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्वेश्चन में दिया रहेगा तो 22/7 दिया है तो लेना है, नहीं तो 3.14 लेना है, कितनी, 3.14, पाई का मान 3.14 लेना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तब लेंगे, नहीं तो कितना लेना है मेरे को, पाई बराबर 22/7 लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो हमको दिया नहीं है, पाई का मान 3.14 लो, तो हमको कितना लेना है, 22/7, तो पाई के जगह में कितना रखेंगे हम, 22/7। आर का मान कितनी है, 10.5 लिखो या फिर 21/2 लिखो, सेम ही तो बात है। हम कैलकुलेशन की मतलब सुविधार्थ में हम क्या लेंगे, 21/2 लेंगे, 21/2 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, आर मतलब आर की जगह पे लिख करके क्या स्क्वायर लगाएंगे, किसी के ऊपर स्क्वायर मतलब वो चीज को कितना बार लिखाएगा, 2 बार, 21/2 लिख ले। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब देखो कैंसिल आउट कर रहा हूं, 7 से काटो 1, 7, 3 जा, हो गया। अब 2 से काटोगे तो ये कितने होंगे, 11, और कैलकुलेशन हो पाएगा क्या, नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करोगे, ऊपर ऊपर में इंटू कर लीजिएगा, तो ऊपर ऊपर में इंटू करेंगे तो ये कितनी है, तो देखिए पहले हम इंटू कर ले रहा हूँ, 21 के साथ 3 इंटू करे कितना होगा, कितना होगा, 11 है इंटू 21 के साथ 3 इंटू करोगे तो 63/2, नीचे 2 ही ना बचा है, इसको क्या करोगे, ये पूरे को इंटू करके 2 से भागा देना है, तो इंटू करने की तरीका भी देख लो, 11 3 कितना होगा, 33 का 3 हाथे क्या रहेगा, हमारा हासिल कितना रहेगा, 3, फिर देखो 11 6 66 3 69/2, समझ में आया। अब भाग दे रहा हूँ, 2 से जब भाग देंगे ये कितने हो जाएंगे, 3 चले जाएंगे, फिर 2 से जब देखो 9 है तो 2 4 8 1 13 2 6 12 1 हासिल 1 है, दशमलव दर करके 5 लाएंगे, इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। ये किसका आया, गोल्ड का, कहने का मतलब इतना हिस्सा का हमने निकल लिए। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, समझ में आ गया ना। इसके बाद कौन बचा है, गोल्ड के बाद रेड, देखो ठीक। अब बाकी
बाकी चीज इसको राफ कर दे रहा हूं मैं, बाकी चीज को भूल जाना है तो अलग से फिगर बना लेंगे, तो ये बड़ी वाली फिगर से हम लोग अलग से छोटी फिगर बना लेंगे तो हमको आसान पड़ेगा। ये किसकी था, गोल्ड का था। अब देखो गोल्ड के बाद यहां तक कौन है, रेड है ना, तो और एक बना लेंगे हम। ये मेरा कौन बन गया, रेड। अंदर वाली कौन था, गोल्ड। केंद्र बिंदु तो एक ही लोक है, यहां से लेके ये किसका रेडियस हो जाएगा, रेड का। ये जो त्रिज्या होगा रेड का, और यहां से लेके ये वाली जो होगा ये किसका होगा, गोल्ड का। ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आया ना। तो इसको बड़ा है तो कैपिटल आर मान लेते हैं, ये छोटा है तो छोटा आर मान लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ, आ गया ना। आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज देखने में कैसे लग रहा है बताओ, बलाय बलाय, चौड़ा नहीं बलाय। ये बड़ी वाली वित्त से छोटी वाली वित्त माइनस कर दे तो बलाय दिखेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब हमको जो रेड पट्टी का जो क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए क्या करेंगे हम, बलाय की क्षेत्रफल निकालेंगे, हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, रेड का एरिया निकाल करके गोल्ड का एरिया माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा। दो मेथड से आप कर सकते हो, तो मैं बलाय वाला लगा करके करवा दूंगा तो आसान पड़ जाएगा। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम, किसकी निकालने जा रहा हूं अभी, रेड का। तो रेड का बताओ रेडियस कितने होंगे, बताओ रेड का रेडियस कितने होंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियस समझना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए गोल्ड का रेड का रेडियस कहां से कहां तक, ध्यान से देखिए, केंद्र से लेके कहां तक, इतना दूर तक। अब बताओ यहां से लेके ये दूरी कितनी है, 10.5, क्योंकि अभी हमने निकाले थे किसका, गोल्ड के लिए। अब ये चौड़ा पट्टी भी कितनी है, 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 कितना है, 21। तो कहने का मतलब रेड का जो रेडियस कितना हो गया तब, 21 सेंटीमीटर। ये समझ में आया कि नहीं, दोबारा मैं बता दे रहा हूं, यहां से लेके ये दूरी कितना था, 10.5, क्योंकि इसका दिया था कितना मेरे को, 21 दिया था ना, 21 दिया था क्या उसकी व्यास, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, 21 का आधा 10.5। तो कहने का मतलब यहां से लेके ये दूरी कितना था, 10.5, और ये चौड़ा पट्टी कितना दिया है मेरे को, देखो 10.5 चौड़ा पट्टी भी दिया है, तो ये भी 10.5, ये भी 10.5, दोनों को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। तो किसका रेडियस हो गया, रेड का त्रिज्या 21 हो गया। ये समझ में आ गया कि नहीं। अब बताओ इसकी जो त्रिज्या कितनी है, किसका त्रिज्या, रेड गोल्ड की, गोल्ड का त्रिज्या कितनी है, गोल्ड का त्रिज्या मतलब आर लिख रहा हूं, 10.5 लिखो या फिर 21/2 लिखो, सेम चीज है। ये समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को, आ गया ना। आप देखिए ये वाली पट्टी की क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ये वाली पट्टी मतलब कौन है, रेड, तो रेड का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, रेड का क्षेत्रफल मतलब एरिया इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी में लिखिएगा बराबर। देखिए हमने क्या बोल रहा हूं, यहां पे कैसे दिखता है मेरे को, देखो यहां पे बलाय दिख रहा है ना, तो बलाय की फॉर्मूला मैंने बताया थे आप लोग को, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं। अब बताओ पाई मतलब कितना रखना है मेरे को, 22/7। ये आर का मान कितनी दिया है, इसको बड़ा आर ले लो, 21, तो 21 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया, माइनस यहां पे छोटी आर के बाद 21/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ये समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को रब कर देते हैं, ताकि क्वेश्चन तो वहीं पे फिगर में ही है। इसके बाद देखिए ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 21 बार इंटू करोगे, 21 इंटू करोगे, फिर यहां पे इंटू करोगे, तभी तो होगा ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज जो है 21 स्क्वायर को ए थोड़ी टाइम के लिए मान लो, ठीक, 21/2 को बी थोड़ी टाइम के लिए मान दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, कोष्टक के अंदर ए माइनस बी होता है, यही तो होता है। ये होता है कि नहीं, पहले बताओ, होता है। तो हम अभी वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो देखिए बताओ 22/7, यहां पे 21, और ये 21/2 मीन्स 10.5। ये समझ में आया कि नहीं, ए प्लस बी, फिर 21 माइनस 10.5। ये समझ में आ गया कि नहीं, सबको आया ना क्या, पक्का ना।
इसको ये माना, इसको बी माना, फॉर्मूला लगा दिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मेरा कौन है 21, बी मेरा कौन है 21 बटा 2 मतलब 10.5, तो ही तो उसके जगह में 10.5 लिखे। कोई 21 बटा 2 लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा कैलकुलेशन लंबा होने वाला है, तो मैंने 10.5 ले लिए। अब देखो 22/7 इसको जोड़ोगे तो कितना होगा बताओ, 31.5 होगा कि नहीं, इनटू ये कितने होंगे घटाओगे तो 10.5, ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया कि नहीं, आ गया। इसके थोड़ा कैलकुलेशन कर देना और कुछ नहीं है, देखो कैलकुलेशन करते हैं कैसे, जैसे जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ ऐसे करिएगा आसान हो जाएगा। तो 22/7 ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आने वाले हैं 10 इंटू, ये भी दशमलव हटेगा नीचे कितना आने वाले हैं 10, ये समझ में आया कि नहीं सबको। इसके बाद देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 7 से कट जाएंगे, 7 1 7 फोर से देंगे तो 27 28 3 35 7 5 35। अब देखो 5 से कटता हूँ इसको, 5 2 5 9 45 2 से काटे 2 1 2 2 11 22, और ये जो 10 है इसको काटेंगे नहीं, भले 5 से कट जाएगा दिख रहा है ना, नहीं काटेंगे, हमको दशमलव डालने में आसान होगा इसलिए मैं नहीं काट रहा हूँ, समझे। तो ऊपर में कितना बचा देखो, 11 के साथ 9 इंटू करोगे तो 99 इंटू कितना है 105, नीचे में कितनी है भाई 10, ये समझ में आ गया कि नहीं। अब 105 के साथ 99 इंटू कर लेते हैं, 105 के साथ 99 इंटू तो 9 5 6 45 का 5 हासिल कितनी है 4, 9 0 के साथ इंटू होंगे तो 0, हाथ में 4 था तो 4 लिख देंगे, 9 1 9 9 5 6 45 का 5 हासिल 4, 9 0 0 4 9 1 9 5 9 9 4 13 1 10, तो कितना आया मेरा ऊपर में 10395 बटा कितनी है, तो आप बताओ दशमलव कितने घर के बाद पड़ेगा, 1, क्योंकि 1 0 है तो कितना लिखेंगे 10.39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका निकाले हमने, रेट का। इसके बाद ब्लू ब्लैक व्हाइट सिमिलरली चलते जाएगा, तो निकालते रहे, निकाल रहा हूँ देखिएगा ध्यान से, ये वाला समझ में आ गया। इसके बाद किसका मैं निकालूंगा, हाँ ब्लू, तो थोड़ा सा अलग से फिगर बना लेना है हमको, क्या कर लेना है देखिए, पहला कौन था मेरा गोल्ड, यहां से लेके यहां तक गोल्ड था, फिर कौन था रेड, केंद्र बिंदु तो सेम है, ये कौन था रेड, ठीक, फिर और एक कौन आ रहा है ब्लू, ये ब्लू है, ठीक है। अब इस पट्टी का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ब्लू पट्टी के, ठीक, तो तब देखो यहां से लेके ये दूरी कितना होने वाले हैं बताओ, ये यहां से लेके ये कितना था, ये कितना था बताओ, केंद्र से लेकर के रेड तक कितना था, अभी निकाले थे 21, 21 के साथ 10.5 जोड़ देंगे तो क्लियर हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, ये ब्लू है ना, तो ब्लू का रेडियस मतलब आर त्रिज्या बराबर कितना है 31.5 सेंटीमीटर, ये समझ में आया कि नहीं आप लोग को, आ गया। आप देखो यहां पे ये पूरे त्रिभुज पूरे वृत्त लेगा, रेड और जी मिलकर के एक वृत्त लेना है, क्योंकि ये बलय को निकालने के लिए ये पूरा एक वृत्त बन जाएगा, समझ रहे हैं, तो इसके लिए इसका कितना होगा बताओ, ये कौन था गोल्ड के बाद रेड, रेड का त्रिज्या कितना था बताओ, रेड का त्रिज्या कितना था, ये कितना था 10.5, ये भी कितना था 10.5, तो कितना था 21 का त्रिज्या बराबर कितना था 21 सेंटीमीटर, ये समझ में आया कि नहीं, आ गया। अब किसकी क्षेत्रफल निकाल रहा हूं हमने, हाँ तो क्षेत्रफल निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएंगे, ब्लू का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर बड़ा ले ले रहा हूँ ब्लू का माइनस रेड का छोटा आर मान ले रहा हूँ, ये समझ में आ गया फॉर्मूला। अब देखिए पाई मतलब 22/7 रखना है, बड़ा आर मतलब यहाँ पे बड़ा आर कर दीजिए, बड़ा आर मतलब 31.5 माइनस छोटी आर मीन्स 21 ना, इसका क्या होगा स्क्वायर, इसका भी क्या होगा स्क्वायर, ये समझ में आ गया कि नहीं,
आ गया ना। अब इसको ये इसको बी मान के ए प्लस बी फॉर्मूला लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ। तो लिखते हैं देखिए 22/7 ए मतलब 31.5 प्लस बी मतलब 21, ये समझ में आया। फिर ए मतलब 31.5 माइनस बी मतलब 21, ये समझ में आ गया कि नहीं सबको? आ गया ना। इसके बाद कैलकुलेशन करते चले जाओ और कुछ नहीं है। क्या करेंगे देखिए 22/7 यहाँ पे कितना होने वाला है इसको जोड़ोगे तो 52.5 और इसको घटाएंगे तो कितना होने वाले हैं देखो दिखा दे रहा हूँ आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। बहुत लोग को घटाने में भी दिक्कत हो सकता है। 31.5 से 21 घटाना है ना तो 21 के बाद पॉइंट लेकर के जीरो लेना है। घटाने की तरीके समझ में आया। तो 5 से 0 घटाओगे तो 5 आएंगे, दशमलव है दशमलव, 1 से 1 जाएगा तो 0, 1 10.5। ये समझ में आ गया कि नहीं? इसके बाद 22/7 जैसे है ऐसे 52.5 को पॉइंट हटाएं, नीचे कितना आने वाले हैं 10 इंटू 105/10 क्या होने वाला है 10। ये समझ में आ गया कि नहीं? आ गया ना। तो ये आ गया तो इसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए आ जाएगा। फिर देखिए ये 7 से कटने वाला है कि नहीं? कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 सात 49, तो 7 सात 49 हुआ तो 52 से 49 घटाओगे तो 3, बगल में कौन है 5 35 7 5 6 35। ये समझ में आ गया। इसके बाद 5 से भी काट देते हैं, 5 2 10 15 5 6 75, 2 एकम 2 11 और नहीं कटेंगे। और ये वाला भले कट जाएगा लेकिन नहीं कटेंगे, हमको दशमलव डालने में आसान है, समझे? तो अभी हम देखते हैं कितना होगा। 15 के साथ 11 इंटू करोगे तो 11 5 6 55 5 आते 5 11 1 11 5 16, 165 × 105 अपॉन कितना हो रहा है 10। अब इसको तो आप लोग को इंटू आता इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। तो कहाँ तक हम लोग निकाल लिए? ब्लू तक, यहाँ तक आ चुका है। आप बचा कौन है? तो अभी ब्लैक का रेडियस पहले यहाँ पे समझो, त्रिज्या यहाँ से लेके ब्लू तक त्रिज्या कितना हुआ बताओ? 31.5। तो उसके साथ ब्लू ब्लैक के लिए 10.5 जोड़ देना है तो कितने हो जाएंगे वो? देखिए मैं बता दे रहा हूं, पहले क्या लिखना है मेरे को यहां पे, किसका निकालने जा रहा हूं हम लोग? ब्लैक की। तो ब्लैक का क्या निकालूंगा? त्रिज्या, पहले त्रिज्या, त्रिज्या बड़ा आर मान रहा हूं। कितने होंगे देखिए फिगर पे, देखिए यहां से लेके ब्लू तक कितना था? 31.5 अभी कर रहे थे। तो 31.5 के ये पट्टी का कितनी है? 10.5। तो 31.5 के साथ 10.5 जोड़ोगे तो कितना होने वाले हैं? 42। अरे भाई 31.5 के साथ 10.5 ना जोड़ोगे, 41 कहाँ पे हो रहा है? 42 हो रहा है कि नहीं? तो कितना हो गया हमारा? 42 सेंटीमीटर, 42 पॉइंट आ रहा है, 42 आ रहा है। कैसे जोड़ रहे हो? 42 हुआ। इसके बाद देखिए कहां तक तो त्रिज्या हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, और यहां से लेके यहां तक कितनी है? 31.5। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे किसकी? ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर ये यहां पे छोटी आर को लिख दीजिए, छोटी आर कितना था? 31.5 ना। छोटी आर किसका है? ब्लू का, समझ रहे हैं? तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर माइनस छोटी आर। तो यहाँ पे कितना रखेंगे बताइए? पाई मीन्स कितना हम रखेंगे? 22/7, बड़ा आर का मान 42, उसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस छोटी आर 31.5, उसका क्या लगाएंगे? स्क्वायर लगाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया ना। अब इसको ए इसको बी मानो, ए प्लस बी लगा दो तो 22/7 कितने होंगे? 42 + 31.5, 42 − 31.5। ये समझ में आ गया कि नहीं? अब बताओ कितने होंगे? 22/7 × ये जोड़ोगे तो कितना होने वाले हैं?
53 कहाँ पे हो जाएंगे, 73.5 इंटू ये घटाओगे तो कितने होने वाले हैं, अरे घटा लो नहीं तो जीरो ले लेना है, और कितनी है 31.5 ले लेना है, 5 0 1 10.5 ये कितनी होने वाले हैं 10.5। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, इसके बाद थोड़ा कैलकुलेशन कर दो और क्या, और कुछ है ये नहीं है। 22/7 जैसे है ऐसे लिख दो, दशमलव हटाओगे तो 735, नीचे कितना होने वाला है 10, और ये 105 नीचे कितने होने वाले हैं 10। ये समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। अब इसके बाद हमको क्या करना है, काट देना है ना, कटेंगे तो कितने में, 7 से कटोगे, 7 1 यहाँ पे 35 है ना, सारे बच्चे यहाँ पे 5 लिख लेता है, सारे बच्चे क्या करते हैं 5 लिख लेते हैं, गलती हो जाता है। अभी देख लो 15 के साथ 7 इंटू करोगे तो 105 ना होता है, यहाँ पे 105 है क्या, तो कितना गलती हो जाता है, समझ रहे हो, इतना दूर तक सही करके आओगे यहीं पे गलत कर दोगे। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मैं सिखा दे रहा हूँ आपको, 735 है ना, किससे दे रहे हो, 7 7 1 जा, इसके बाद 3 उतरा, 3 चला जाएगा क्या, छोटी हो रहा है ना, फिर 5 लाना है तो 2 संख्या एक साथ उतरोगे तो भागफल में 0 आता है, तो अभी कितने में चले जाएंगे 5, तो काटेंगे तो कितना होने वाले हैं 105। अभी 7 इंटू करोगे तो यही चीज आने वाला है, यही गलती करते हैं बच्चे, समझ में नहीं आया क्या, आ गया आ गया। तो इसके बाद देखिए और कौन कौन कट सकते हैं, 5 से ये कट सकता है, 5 दूना 10 5 एकम 5, 2 से काट दो 11 इंटू 4 2 5 5 बटा क्या है, अब दशमलव कितने में आएंगे, एक घर इधर आ जाएंगे, 2 4 2 5.5 cm². ये समझ में आ गया कि नहीं, तो कहाँ तक हम लोग निकाल लिए, ब्लैक तक, मतलब इतना दूर तक हम लोग निकाल लिए, बचा कौन है ये, तो यहाँ से लेके लास्ट तक की दूरी कितना होगा, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था 42, इस 42 के साथ कितना जोड़ दोगे 10.5, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे लास्ट में, कौन है भाई, वाइट, तो वाइट का क्या निकाल रहा हूँ, त्रिज्या बराबर, यहाँ से यहाँ तक था 42, साथ में क्या जोड़ दिए 10 जोड़ रहे हो ना हम, 10.5, तो 42 के साथ 10.5 जोड़ेंगे तो कितने होंगे 52.5, किसका त्रिज्या निकाला, वाइट का, तो ये बड़ा है तो बड़ा आर मान लो 52.5 सेंटीमीटर, और किसका त्रिज्या हमको जरूरी है, ब्लू ब्लैक का, तो ब्लैक का त्रिज्या कितना हो रहा है, ब्लैक का त्रिज्या छोटा है तो छोटा आर लिख लिए 42 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। अब इस पट्टी को निकलने के लिए हम बलाई का सूत्र लगा देंगे, तो बलाई का सूत्र मतलब यहाँ पे व्हाइट पट्टी का निकल रहा हूँ ना हमले, व्हाइट पट्टी का, चलिए इंग्लिश देख लीजिएगा, पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर, ये समझ में आया। अब बड़ी आर का मान कितनी है देखो, तो कितना लिखेंगे 22/7 इंटू 52.5 का स्क्वायर माइनस आर की मान 42 का स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट लगा देंगे, ये समझ में आ गया कि नहीं, आ गया। अब इसको ये इसको बी मान के हल कर देना है, ठीक ना, तो देखो कितना हो जाएगा, तब 22/7 इंटू ए प्लस बी मतलब 52.5 + 42, समझ में आया, साथ में 52.5 - 42, ये समझ में आ गया। अब बताओ कितने होंगे, 22/7 इंटू ये जोड़ोगे तो कितना होने वाला है, यहाँ पे दशमलव डाल करके 0 कर लो, जोड़ने में आसान होगा, 0.5, 2 और 2 मिलके 4, 5 और 4 मिलके 9, समझ में आ गया, इंटू यहाँ पे भी पॉइंट डाल के क्योंकि 0 कर लो, 5 से 0 जाएगा तो 5, दशमलव है दशमलव डाल दो, 2 से 2 जाएगा तो 0, 5 से 4 जाएगा तो 1, ये समझ में आ गया। आप क्या करना है, मेरे को दशमलव हटा देना है, तो 22/7
इंटू 945 बटा 10 इंटू 10 मानो 105 बटा 10। समझ में आ गया? अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद ये 7 से काटे कितने होंगे, 7 एक कम 7, 2 24, 7 3 21, तो 3 35, 7 5 35। ऐसे नहीं काट पाओगे तो खुद अलग से भाग ले लेना, ठीक। इसके बाद 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूने 10, 2 25, 5 5 25, 5 दूने, फिर 2 एक कम 2 11, और नहीं काटेंगे, दशमलव डालना हमको आसान है। तो इंटू करेंगे तो कितना होगा, 25 और 11 को इंटू करेंगे तो 11 पच्चे 55 का 5, अतः 5 11 दुने 22, 5 27, 275 इंटू 105 अपन 10। ये चीज को इंटू करके 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 2887.5 ये आ रहा है, ठीक है। तो यही निकालने के लिए बोला था, हर पट्टी का निकालने के लिए बोला था। कैसे किया, समझ में आ गया सब लोग को?